हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट नामा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 8% का रिटर्न सेविंग अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप सेविंग अकाउंट से FD जितना रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ बैंक से रिलेटेड बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो आप आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो हमारे देश में जितना भी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या वो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक ही क्यों ना हो, इनमें से ज़्यादातर बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंक आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आपका अकाउंट चाहे SBI में हो, एक्सिस में हो, HDFC में हो, कोटक महिंद्रा में हो, CSB में हो, इलाहाबाद बैंक में हो, या किसी और भी बैंक में हो, इनमें से ज़्यादातर बैंक आपको सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और इनमें से कुछ बैंक आपको करेंट अकाउंट में भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जब आप अकाउंट ओपनिंग करवाने जाते हैं किसी भी बैंक में, तो आपको बैंकर के तरफ से ये फैसिलिटी के बारे में कभी नहीं बताया जाता है, आपसे ये फैसिलिटी के बारे में छुपाया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सभी बैंकों का एक अपना फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिस सेविंग अकाउंट और जिस करेंट अकाउंट में बैंक आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उसमें उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। अगर आपके अकाउंट में उस फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा पैसा जमा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है और उस पर आपको फिक्स डिपॉजिट इतना रिटर्न मिलता है। चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट SBI में है और SBI का फिक्स्ड अमाउंट है वो है 35,000। जब कभी आपका पैसा उस फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा जमा होगा आपके अकाउंट में, तो उस पर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट इतना रिटर्न मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका आपके अकाउंट में 45,000 जमा है, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड अमाउंट है वो है 35,000, तो आपको बाकी बचे 10,000 पे FD जितना रिटर्न मिलेगा और 35,000 पे आपको सेविंग इतना रिटर्न मिलेगा। आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको उस बैंक में जाना चाहिए जहाँ पे आपका अकाउंट हो, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट हो। फिर उस बैंक में जाके आपको सर्विस मैनेजर को ये बोलना चाहिए कि आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी चाहिए। पहले तो वो बैंकर आपको आनाकानी करेगा ऑटो स्वीप के बारे में बताने को, लेकिन कोई भी बैंक आपको वो चीज़ नहीं बताता जिसमें उसका नुकसान हो और आपका फ़ायदा हो। बैंक यही चाहता है कि आपको सेविंग अकाउंट पे FD का रिटर्न ना मिले, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है और बैंक का नुकसान है, और बैंक कभी अपना नुकसान नहीं चाहता है। तो बैंकर को आपको इंसिस्ट करना होगा, तभी भी अगर वो आनाकानी करे तो आपको उस पर दबाव बनाना चाहिए कि अगर आप मुझे ऑटो स्वीप का फैसिलिटी नहीं देते हैं तो मैं आपके बैंक से अपना अकाउंट बंद कर लूँगा। 90% चांस है कि आपको बैंकर ऑटो स्वीप का फैसिलिटी प्रदान कर दे। अगर बैंकर ये तैयार हो जाता है आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी देने के लिए, तो बैंकर आपको बोलेगा कि एक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो एप्लीकेशन में आपको अपना अकाउंट डिटेल के साथ ये मेंशन करना होगा कि आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी चाहिए। एप्लीकेशन जमा होने के 2 से 3 दिन में आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाएगा। बहुत सारे बैंक में ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो। अगर आप नया सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगता है कि आपके सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में 25,000 से ज़्यादा पैसा मेंटेन रहेगा, तो आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेना चाहिए। दूसरा, मिनिमम बैलेंस का जो क्राइटेरिया होता है, जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस अकाउंट का मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया कम से कम हो या 0 हो। तीसरा, जो बैंक चार्जेज आपसे वसूलती है, वो कोशिश कीजिए कि आपका उस बैंक जिस भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसमें कम से कम हो, या वो डेबिट कार्ड चार्जेज हो या वो कोई और चार्जेज हो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वो हर जगह इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं और वहाँ अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, वहाँ तो वो भी बैंक इजीली अवेलेबल है, लेकिन आप अगर कहीं और ट्रैवल करते हैं, आप स्मॉल टाउन में आते हैं या आप कोई विलेज एरिया में जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो बैंक ना मिले और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप नया अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको ये मेरी छोटी सी नॉलेज अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा तो हो सकता है कि उनका भी कुछ अच्छा हो, उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।